सभी पक गया है, अब इसको काटना है। इधर भी मेरा है, आप देख सकते हैं इतना जो उन्होंने फूटा है। और ये हो गया मेरा ही धान, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा ही धान है यहाँ से ले। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा एक नई वीडियो में स्वागत है। आप देख सकते हैं इस लोकेशन किस टाइप है। तो इस टाइम आ गए हैं उस बारी और यही आसपास खेत है और बगीचा है, सबका टूर अभी दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं दीपू भी है और देख सकते हैं जो इतना इलाका दिख रहा है, ये हम लोग का घर आसपास खेती लगाने टाइम। इधर थोड़ा सा सूख गया है पूरा, ये देख सकते हैं, मतलब हल्का हल्का पूरा सूख गया है। तो इसको हम लोग पटाएंगे, ऊपर वाला जितना अस्तर है ना उसको पूरा सूख गया है, उसको पटा देंगे। तो नीचे जो है सूख, नीचे थोड़ा सा नीचे उतना ज़्यादा सूखा नहीं होने के लिए ऊपर पर जो है जो भी आपका ट्रैक्टर हुआ कुछ से भी जोतवा रहे हैं तो अच्छा तरीका से नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको ऊपर ऊपर भाग जो है उसको हल्का हल्का पानी दे के पूरा इसको भूमि को पूरा इसको नमी कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा इसको। और अभी वहाँ मशीन से लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं हमारा पानी है यहाँ, देख दिया दिवाली टाइम का है, यहाँ इतना पानी है वहाँ पूरा। इधर झाड़ी है साइड साइड में, यहाँ देखिए इधर आलू लगा दिया हम लोग का संदीप भैया सब, उधर जानते होंगे कुलदीप वो लगा दिया है। इधर हम लोग का है इलाका, इस साइड में हमारा पड़ती है, इधर सब लगा दिया है। और चलिए देखते हैं हम लोग का धान किस टाइप इस बार हुआ है, पानी नहीं आने कारण तक कुछ लगता है वैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन देखते हैं। आप देख सकते हैं इधर धान का हालत किस टाइप से हुआ है, पूरा सभी धान गिर गया है, अब देख सब धान गिर गया है यहाँ पर। और इस बार जो है इसका आप देख सकते हैं इस बार उतना ही अच्छा से पक्का है, लेकिन उतना ही अच्छा से यहाँ पर दाना नहीं भरा है, कहीं कहीं पर छोड़ दिया है पानी आने कारण। और हमको लगता है कि तीन नंबर जो है ना, तीन नंबर जो धान है वो धान पूरा ही हो गया है अच्छा तरीके से, हल सा जो होता है बूदा गच वो नहीं बना है, सिंगल है तो सिंगल ही नहीं फूट गया है, उससे अधिक नहीं बना है गच। आप देख सकते इधर यहाँ पर घास हो गया है जहाँ पाता हाँ, ये मेरा ही है। कुछ अकेले हो जाने के कारण हम लोग का घास जो होता है निकाल नहीं सकते हैं, कुछ टाइम ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं रहने सहने से धान जो घास हो नहीं निकल रहा था, और हम लोग अकेले हो जाते हैं इसी कारण हम लोग निकाल जल्दी नहीं पाते हैं, माँ अकेले हो जाती हैं इसी कारण नहीं हम लोग अच्छा से धान को जो घास उसको निकाल नहीं पाते हैं। हम निकाल भी लेते तो फिर पानी नहीं आ रहा था, तो फिर उस टाइम उखड़ भी नहीं रहा था ये आप देख सकते घास। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जो धान था 100% में 65% या 75% धान हो चुका है, जो जितना लगाए थे पूंजी लगा लागत उतना आ गया होगा आज, अगर लगता है जीवन चल जाएगा इस बार जितना धान हुआ है। देखने में लग रहा है कि दाना भर ही गया है, कहीं कहीं नहीं भरा है, नहीं सभी भर गया, सभी पक गया है, अब इसको काटना है। इधर भी मेरा है आप देख सकते हैं, और नीचे साइड में भी मेरा है उधर, बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा हो गया है, धान पूरा ही पक गया है। तो आप लोग जान रहे होंगे छठ मेला हम लोग गांव तरफ लगता है, तो छठ मेला के बाद ही सबको प्लान रखे हैं काटने का, अभी नहीं सोचे हैं, कहीं कहीं कोई कोई धान अच्छा से नहीं हुआ है ना, तो उसको देख लेते हैं। देखिए पूरा घास हो गया है मेरा, मेरा ही वाला हमको घास है, सब लोग बीज दिया था लेकिन मेरा नहीं बीजा था, थोड़ा सूख गया था ना इसी कारण, और थोड़ा सा हम उधर लगाने टाइम इधर थोड़ा सा लेट हो गया था, इसी दौरान इधर भी इधर अच्छा से नहीं हुआ है धान मेरा, लेकिन 65% हुआ है, जो होना था वो हो ही गया है। आप देख सकते हैं यहाँ दो नंबर धान लगाया है, इसी कारण इसका धान नहीं फूटा है, देख सकते हैं धान नहीं फूटा है, ये दो नंबर धान लगाया है। हम लोग का तीन नंबर धान है सब फूट गया है, लेकिन थोड़ा सा जो गच है पौधा है वो नहीं बना है, लेकिन जो सिंगल था सिंगल ही फूट गया है, इसलिए 65% हम लोग का धान हुआ है। आप लोकेशन देख सकते हैं बगान का, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, ये हम लोग का आम का बगीचा है, आप देख सकते हैं RSMPM गार्डन, यही हम लोग का, आप देख सकते हैं पूरा ही मस्त लुक दिखता है, सुबह सुबह ये गाना मजा जाता है, यहाँ खतरनाक है, हार्ड लगता है देखने में, सिर्फ पूरा आम ही आम, चारों कोना आम ही दिखता है, ऊपर जो साइड इस साइड में मर भी गया था ना, कि जो ऊपर साइड है वो साइड नहीं मरा था, ऊपर साइड और बड़ा बड़ा है, इस साइड थोड़ा सा मिट्टी जो है उपजाऊ कम है, इसी कारण यहाँ थोड़ा सा जो आम है सुगर आम का ग्रोथ है वो कम हुआ है, और ऊपर साइड जो पत्थर है लेकिन उसका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है, उसी कारण वहाँ बहुत ही बड़ा बड़ा है, इधर नहीं है। आप देख सकते हैं
आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में कि छोटा था आम उस टाइम भी डाले थे, अभी देख सकते हैं कितना दिन हो रहा है और कितना बड़ा बड़ा हो गया है आम, पूरा मस्त पूरा घास हो गया जहाँ पर तहाँ इसको तो जुतवाना है, लेकिन पूरा ही जमीन जो है ना सूख गया है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा सूख गया है जमीन हम लोग का। अब चलते हैं हम लोग एक नंबर खेत की तरफ, ठीक है चलिए चलिए आप लोग को दिखाते हैं धान इस बार का एक नंबर का गड्ढा खेत को लिए दिखाते हैं हम लोग के बगल ही में, यहाँ पर मैम लगाए हैं, चलिए उसको देखते हैं एक नंबर खेत को कई किस टाइप धान है, वहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों चलिए हम एक नंबर खेत की तरफ आ गए हैं, गड्ढा खेत तरफ आप देख सकते हैं यहाँ का, इस बार तो नहीं पका है अभी तो नहीं पका है, लेकिन इसमें देखिएगा पूरा ही खतरनाक दाना भर रहा है अभी, और एक नंबर जो खेत है इसमें हम लोग का धान भरपूर मात्रा में हो गया है आप देख सकते हैं, खतरनाक हुआ है इस बार पूरा जहाँ से दिख रहा है पूरा भरपूर मात्रा में हो गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा डोभा है जो बगीचा के लिए यहाँ कोड़ाया गया था, पानी पूरा भरा हुआ है देखिए खतरनाक टाइप से, और देखिए इस यहाँ पर थोड़ा सा पीछे लगाया होगा इसलिए इसका जो धान है जो ग्रोथ है वो कम है आप देख सकते हैं इसका, लेकिन जहाँ कुछ भी है बाली में कम नहीं किया आप देख सकते हैं यहाँ पर खतरनाक है, इधर देख इधर भी हैवी है, ये पायनियर धान है, ये कौन धान नहीं पता हमको। तो एक नंबर जो धान हम लोग का गड्ढा का खेत है जिसमें हम लोग का पानी हमेशा रहता है, तो उसी कारण हम लोग का धान इस बार अच्छा हुआ है, अभी देख सकते हैं यहाँ पानी है, और देखिए बाइल इसमें जो है ना बाइल देखिए यहाँ देखिए कितना ही बड़ा बड़ा बाइल है, देख सकते सब में दाना भरा हुआ है और गोबर एक भी नहीं फटा हुआ है, देख सकते हैं जो गोबर होता है धान में शिकायत मिलता है कि गोबर फूट गया है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है हम लोग का धान में, और ये धान का ब्रांड नेम है पायनियर, इधर भी देखिए बहुत ही अच्छा से हो गया है हम लोग का धान आप से गोबर इस बार उतना ही नहीं फटा है जितना फूटना चाहिए उतना फूटा है, और ये हो गया मेरा ही धान, ठीक है आप देख सकते हैं ये मेरा ही धान है यहाँ से लेके वहाँ दिख रहा है पूरा वहाँ तक है, और इधर यहाँ वहाँ से लेके नीचे तक हम लोग का पूरा धान है, हम लोग का चाचा का और हम लोग चाचा और भैया का, यहाँ से देखें ना ये सब वहाँ से ऊपर से लेके पूरा नीचे तक हम लोग ही के यहाँ गाढ़ा कहते हैं, तो हम लोग को यहीं से जीवन साल भर का चल जाता है, यहीं से धान उपजाते हैं तो हम लोग यहाँ से आराम से साल भर हो चल जाता है, दिक्कत नहीं होता है खरीदने का धान का, तो हम लोग को बहुत वहाँ से लेकर पूरा हम लोग कहीं से चचा का भैया का सबका हम लोग के ही पास है, और वहाँ नीचे तक पूरा धान हम लोग का, अब इससे बहुत ही अच्छा दिख रहा है धान इस बार, पानी आने से और ही अच्छा होता, लेकिन यहाँ पानी थोड़ा सा नहीं सूखा है, पानी अभी भरपूर यहाँ पर है आप देख सकते हैं उधर चल भी रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पानी शीत अभी शीत है ना चलने में दिक्कत होता है पूरा पैंट भीन जा रहा है, लेकिन जाएंगे क्योंकि दतवन तोड़ना है इसलिए जाएंगे, कुछ देर के बाद ड्यूटी जाना है ना, अब जानते होंगे हम मेरा जो रील देखते होंगे पता होगा कि मैं कहाँ जाता हूँ काम करने, तो मेरा ड्यूटी है वो ड्यूटी में जाऊँगा, तो चलिए हम तोड़ते हैं दतुवन, पहले बुढ़मू क्षेत्र में धान हो एक नंबर धान पायनर धान है वो हम लोग का हुआ है, और तीन नंबर जो धान है वो भी हुआ है, मात्र हम लोग का जो दो नंबर धान है वो धान नहीं हुआ है, क्योंकि उषा पानी आने कारण दो नंबर धान नहीं हुआ है, मात्र तीन और एक नंबर धान जो गड्ढा खेत था पूरा गड्ढा खेत जिसे पानी हमेशा चलते रहे वो खेत में हुआ है और ओनली दूसरा खेत में नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गड्ढे का तो ये भी है यहाँ पर भी हो गया है आप देख सकते हैं, अब चलिए दतुवन तोड़ते हैं हम लोग देसी दतुवन को, चलिए हम तोड़ लिए हैं देसी दतुवन देखिए, तो गाइज चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।